मुजफ्फरनगर में परिक्रमा मार्ग पर रेशु विहार रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने का विरोध करते हुए इलाके के जिम्मेदार लोगों ने अंडरपास निर्माण नहीं करने की मांग की है और जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान उन्होंने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। दरअसल रेशु विहार और आसपास के निवासियों ने सोमवार को कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को मांग पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर अनेक कॉलोनियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं विभिन्न प्रकार की दुकानों के मुख्य मार्ग हैं। रेशु विहार रेलवे फाटक की वर्तमान व्यवस्था से चंद मिनटों के लिए यातायात अवश्य रुकता है, किंतु चाहे क्षेत्रवासी हो या किसी व्यवसाय से जुड़े अन्य युवक हो, किसी को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि यहां पर अंडरपास बनता है तो इलाके के सभी लोगों को परेशान होना पड़ेगा। अंडरपास बनने से कॉलोनी वासियों के लिए रास्ते की पर्याप्त सुविधा जो अब है वो बाद में नहीं रह पाएगी। क्षेत्रवासियों ने मांग उठाई है कि अंडरपास के बजाय ओवर ब्रिज निर्माण पर विचार किया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो शहर के जिम्मेदार लोगों के साथ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। हमारा मामला यह है कि हमारा पहले कुछ साल पहले फ्लाई ओवर का वहाँ को जो है पास हुआ था फाटक के ऊपर को, अब वो रिस्ट करके इन्होंने अंडरपास बनाने जा रहे हैं उसको। अंडरपास बनाने का मतलब क्या है, कितनी गंदगी वहाँ होगी, सब कॉलोनी वासियों को बहुत परेशानी है। पानी भरेगा, गंदगी होगी, पानी निकलने का, उसके अंदर जितनी भी गंदगी मोहल्ले की होगी, कॉलोनी होगी, कुत्ता बिल्ली जो भी मरेगा उसके नीचे डाल दिया जाएगा। छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, DS पब्लिक स्कूल नज़दीक ही है अंडरपास के, वे बच्चे कैसे जाएंगे, उनकी मम्मियाँ छोटे बहन भाई उन्होंने लेकर कैसे जाएगी वहाँ, उसके अंदर नीचे को पानी भर जाएगा। तो हमारी समाधान ये है कि हमारा समाधान होना चाहिए, अंडरपास वहाँ बनानी चाहिए, अगर नहीं तो हम कॉलोनी वाले धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अभी तक काम शुरू हुआ है नहीं? काम शुरू होने वाला है, हुआ नहीं। हम इस बारे में मंत्री से मिले थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई ये तो बनना है,